कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है, लेकिन पार्टी ने अभी तक इमरान मसूद की उम्मीदवारी रद्द नहीं की है। इमरान मसूद जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है 8 मार्च के आसपास, और जो सीडी दिखाई जा रही है वो सीडी है दिसंबर की, जब वो समाजवादी पार्टी में थे। आज के संदर्भ में हम इस तरीके के किसी भी बयान को अलोकतांत्रिक और अमर्यादित मानते हैं, और मैं समझता हूं कि उनके कांग्रेस पार्टी में आने के बाद इस तरीके का चूंकि कोई बयान नहीं दिया गया है तो इसको कांग्रेस से नहीं जोड़ना चाहिए। वो बयान इस चुनाव को लेकर नहीं है, अखबारों में भी निकला है कि 6 महीने पहले दिया हुआ बयान है। जो शख्स उनके बगल में खड़े हैं उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, वो अब दुनिया में नहीं है। तो किसी वक्त पे कुछ कहा हो तो मैं नहीं जानती उसमें प्रमाण क्या है। अब ये तो देखिए कानून का मामला है, और क्या उनके खिलाफ दर्ज होता है उसमें क्या सत्यता है, उसको सब देखकर तब हाईकमांड हमारा तय करेगा कि क्या करना है। पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई टिकट बदला जाएगा। जो इमरान मसूद का जिस तरह की भाषा थी वो हमें स्वीकार्य नहीं है, और ऐसी भाषा में कभी भी कांग्रेस किसी को बोलने की मंजूरी नहीं देती है। ऑफ कोर्स वो उनका निजी बयान था, लेकिन मैं भाजपा से ये जरूर पूछना चाहूँगा कि क्या उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स हैं, उनका जो बयान या उनकी जो जिस तरीके की भाषा है वो क्या उनको शोभा देता है।